गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज संडे है और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा यह प्लांट है। आज हम इस पर काम करने वाले हैं, तो पहले आप प्लांट देख लीजिए, मैं बाद में आपको बताता हूँ क्या काम करना है। बहुत ही खूबसूरत सिंगल पेटल वेराइटी है ये। इस प्लांट में देखिए दोस्तों, रूट जो है वो यहाँ से बाहर निकल चुकी है, मतलब इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये एक सीड ग्रोन वेराइटी है, मैंने इसको सीड से ग्रो किया है और ये एक जो है वो इसकी आईडी है वो रेड प्लास्टिक है। इस पर काफ़ी ब्यूटीफुल सा सिंगल पेटल फ्लावर आता है और इसमें खास बात ये है कि इस पर फ्लावर जो है वो कंटिन्यूस आते रहते हैं। अगर एक बार फ्लावरिंग ख़त्म हो चुका तो उस पर कुछ एक ही महीने में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से इस पर जो है वो साल के तीन सीजन में फ्लावरिंग खिलती ही रहती है वन बाय वन। फिलहाल जो है इसके फ्लावर पुराने हो चुके हैं, तो थोड़ा सा कलर इसने छोड़ दिया है। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको दो क्लिप दिखाई वो उसके फ्रेश कलर की फ्लावरिंग की फ़ोटो थी फर्स्ट डे की। आपने उसमें देखा होगा कि उस पर जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा रेड और वाइट कलर का फ्लावर खिलता है। और देखिए, इस प्लांट में अभी प्रॉब्लम यह है कि इसका जो पॉट है वो अब इसके लिए काफ़ी छोटा है। देखिए, ये सीड ग्रोन करने के बाद मैंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट की तो ये 6 इंच के पॉट में इसको ट्रांसप्लांट किया था। उसके बाद मैंने इसको चेंज ही नहीं किया। प्लांट को एक बार मैं प्रून कर चुका हूँ लेकिन मैंने इसका पॉट चेंज नहीं किया, तो इसका सोयल मीडिया भी काफ़ी पुराना है। और आप ये देखिए, पॉट के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अभी वहाँ से रूट बाहर निकल आई और पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको बड़ी सावधानी से ड्रेनेज सिस्टम से रूट निकालने होंगे और इसको नया पॉट देना होगा। अब जो है मैं इसको 8 इंच का पॉट देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है इसको रूट जो है नीचे से कट करके हमें निकालना होगा। जैसे दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ ठंडी बहुत शुरू हो गई, अभी टेम्परेचर जो है 14 से 15 डिग्री का रात का हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ अपरूट करूँगा, इसके रूट जो है वो क्लीन करूँगा, उसको कुछ 15-20 दिन के लिए लटका के रखूँगा। तब तक हमारा जो मिड फेब्रुवरी शुरू हो जाएगा और गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, तो तब मैं इसको नए पॉट में रिपोर्ट करूँगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इस पर फ्लावर कंटिन्यूस आते रहते हैं, तो मैं इसका वेट करते करते थक गया कि कब फ्लावर ना हो और रिपोर्ट करूँ, लेकिन वो मौका नहीं मिला। तो अब फ्लावर है फिर भी मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगा। तो चलिए, हम सबसे पहले इसका पत्ते और जो इसके फ्लावर है वो हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ मैं पत्ते बाद में निकालूंगा, सबसे पहले प्लांट को पॉट से अलग करते हैं। तो सबसे पहले आप एक शार्प कटर लीजिए, उससे हमें नीचे के जो है वो, तो देखिए दोस्तों, एक शार्प सा कटर लीजिए और इसके रूट जो है वो हमें नीचे वाले जो ड्रेनेज से बाहर निकले हैं उसको कट कर देने हैं। अगर हम प्लांट को इसी तरह से खींच के निकालेंगे तो ये रूट जो है वो खींच के वैसे भी टूट ही जाएंगे। तो देखिए, खींच के टूटेंगे तो प्लांट के रूट डैमेज होंगे, इससे बेटर है हम यहाँ से इसको कट कर दें। वैसे भी हम रूट रिडक्शन तो करने ही वाले हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिए, रूट जो है वो शार्प कटर से कट कर दीजिए, उसी में जो है वो बेहतर रहेगा। प्लांट को अगर आपके रूट इस तरह से निकले हो तो ऊपर से प्रेशर दे के खींचना नहीं है कभी, उसमें रूट ज़्यादा डैमेज होंगे। तो देखिए, मैंने रूट जो है वो सारे कट कर दिए हैं। अब जो है वो हम सोयल मीडिया थोड़ा ढीला करेंगे, तो उसके लिए पॉट को हम चारों तरफ से जो है थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेशर देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, सोयल मीडिया थोड़ा ढीला हो जाएगा। वैसे भी इसमें जो है वो हम काफ़ी मात्रा में और रिवर्स एंड यूज़ करते हो तो मीडिया ढीला ही होता है, लेकिन थोड़ा जो पॉट की किनारियों से चिपका होता है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। आप इस तरह से धीरे धीरे से इसको थपथपा सकते हैं, बस इस तरह से धीरे धीरे से जो सोयल मीडिया है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अपना पकड़ है वो पॉट से छोड़ दे तो आप इस तरह से हल्के से खींचिए, अगर खींचने से ना निकले तो थोड़ी देर और थोड़ा थपथपाए। देखिए, काफ़ी दिनों से प्लांट था अंडर, तो इसने अच्छी खासी रूट बाउंड कर दी है, इसका कोडेक्स काफ़ी अच्छा है। चलिए, हम जो है इसकी जो मिट्टी है वो रूट से अलग कर देते हैं। देखिए, पॉट को, प्लांट को जब भी मैं पॉट से निकालने वाला हूँ तो उसको
दो दिन पहले मैं पानी देता हूँ, उसको निकालने वाले दिन कभी पानी नहीं देता। अगर उस दिन हम पानी दे तो क्या है, मिट्टी जो है वो काफ़ी पानी वाली होती है, वो जो है चिपचिपी रहती है। अगर हमने दो दिन पहले पानी दिया होगा तो मिट्टी जो है थोड़ी लूज हो जाएगी और जब हम निकालेंगे तो इस तरह से आसानी से निकल जाएगी। अगर हमने अभी पानी दिया होता तो ये मिट्टी पूरी चिकनी होती और चिपचिपी रहती। तो आप ये बात का ख्याल रखिए कि जब भी प्लांट निकालना हो उसके दो दिन पहले पानी दीजिए। तो मैंने इसको वॉश भी कर लिया है अभी। अब जो है वो मैं इसके एक्स्ट्रा रूट निकाल दूंगा, जो साइड रूट है सभी, जो किसी काम की नहीं और फ्यूचर में अपने प्लांट का जो लुक है वो ख़राब कर देगी। तो आप इस तरह से सभी साइड रूट निकाल दीजिए। जो भी अनचाही रूट हो, आपको पसंद ना हो, उसको प्लांट से हटा देना है। देखिए इस तरह की कोई रूट हो तो भी आप निकाल दीजिए जो प्लांट के अंदर की तरफ जाती हो। बड़ी सावधानी से ये सब करना होता है। और वैसे देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ ठंड का मौसम है और ज़्यादा लंबे वक्त तक ठंड रहती हो और ज़्यादा ठंड पड़ती हो तो अभी रिपोर्टिंग का काम मत कीजिए। मेरे यहाँ तो देखिए काफ़ी शॉर्ट पीरियड होता है और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, तो मैं कर देता हूँ। और मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर गर्मी का वेट करूँगा और उस वक्त मैं रिपोर्टिंग शुरू करूँगा तो काफ़ी सारे प्लांट है तो एक साथ सभी मैं कभी रिपोर्ट नहीं कर पाता। इसलिए मैं जो है वो हर महीने 10-12 प्लांट रिपोर्ट करता रहता हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी आसानी से जो है वो रिपोर्टिंग हो जाती है। अगर एक साथ में मेरे 300-400 प्लांट रिपोर्ट करना चाहूँ तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा और वो प्रोसेस मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो भी प्लांट को रिक्वायर होती है रिपोर्टिंग की, वो मैं करता रहता हूँ। बस इतना ख्याल रखता हूँ, जब भी मैं प्लांट रिपोर्ट करूँ तो उसको 15-20 दिन के लिए जो लटका के रख सकूँ, ताकि इसकी जो भी रूट मैंने कट की हो अपने आप ऑटोमेटिक हील हो जाए। ये देखिए नेचुरली रूट ट्रेन हुआ है प्लांट। ओबेजम में रूट ट्रेन का कोई फायदा नहीं, वैसे अरेबिकम में जिस तरह से रूट ट्रेन प्लांट बनता है उस तरह से ओबेजम में नहीं बनता। ओबेजम में जो रूट है वो खुद ही अपने आप कोडेक्स बनाने लगती है। तो जैसे ही हम जो रूट ट्रेन की रूट बड़ी होगी तो अपने आप बड़ा कोडेक्स बना देगी। उसमें जो है चारों तरफ की रूट एक जैसी नहीं रहती। देखिए तो ऑलमोस्ट मैंने जो भी एक्स्ट्रा रूट थी वो सारी निकाल दी। अगर आपको रूट कैसे रिडक्शन करना है, सिलेक्शन करना है, इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी जो हेल्प कर दूंगा। हो सके तो एक वीडियो बना दूंगा एक्स्ट्रा उसका। तो बस अब हो गया। देखिए वैसे इसकी रूट का लुक काफ़ी अच्छा है। देखिए किस तरह से प्लांट खड़ा रह गया। ये नेचुरली है, इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई जो है वो रूट ट्रेन नहीं किया। देखिए आप काफ़ी खूबसूरत से रूट है। साइड हो सकता है अगर इसके जो टेप रूट है वो किसी वजह से जो रोट हो गई हो और अपने आप हील हो गई, उसी के वजह से ये नेचुरली रूट ट्रेन हो गया हो, इसमें टेप रूट ही नहीं है। देखिए तो बस अब इस प्लांट को जो है वो मैं 15-20 दिनों तक इसी तरह लटका के रखूँगा। हाँ, इसके जो फ्लावर और पत्ते हैं वो मैं अभी हटा दूँगा और उसके बाद जो है इसमें जो भी कट लगाई है हमने, जहाँ जहाँ से रूट का कट की वहाँ पे फंगीसाइड लगा दूंगा और उसके बाद शेड में इसको लटका दूंगा। देखिए आप ये फ्लावर, एक्चुअली ये तो फेड ऑफ हो चुके हैं। और वैसे भी मोबाइल के कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें जो उसके ओरिजिनल कलर किसी भी फ्लावर का आता ही नहीं, ज़्यादातर रेड और पिंकिश कलर इसमें ज़्यादा दिखाई देता है मेरे को। मोबाइल में मुझे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना, अच्छी तरह फोटोग्राफी आती नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, आजकल जो है वो लाइक काफ़ी कम आ रही है और जो है इसी वजह से व्यूज़ भी काफ़ी वीडियो पे कम आ रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर वीडियो देखते हैं पूरा देखा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे जो मेरे वीडियो को